वेलकम टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स इन माई यूट्यूब चैनल सत्यानंद ज्ञान संसार। आज हम NCERT से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फोटोपेरिडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए कि आपने पहले पढ़ लिया है कि जो चैप्टर 5 में कि जो फूल वाले पौधे हैं उनके संगठन के बारे में आपने अध्ययन कर लिया है। तो आपने कभी सोचा है कि जो जड़, तना, पत्ती और फूल और बीज हैं जैसी संरचनाएं हैं वो कहाँ से और कैसे पैदा होती हैं? तो और वह भी एक ही क्रमबद्ध तरीके से, वो भी एक ही क्रमबद्ध तरीके से। और क्या है फिर वह भी, अब आप बीज पौधा, अब आप बीज पौधा और जो अपर और जो परिपक्व पौधा है जैसे शब्दों से आप परिचित हो गए हैं। आपने यह भी देखा होगा कि सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई और गोलाई में लगातार वृद्धि करते रहते हैं, और हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल और फल आदि न केवल सीमित लंबाई और चौड़ाई के होते हैं, यानी कि जो पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, उनका सभी का जो लंबाई होती है वो सीमित लंबाई के होते हैं, बल्कि समयानुकूल वृक्ष से निकलते और पुनः नीचे गिरते रहते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया जो होती है वो एक कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है? ठीक है, वेजिटेटिव फेज प्रेसीड फ्लावरिंग इन ए प्लांट, यानी कि एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया जो होती है कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है, यानी कि पहले जो वेजिटेटिव फेज होगी उसके बाद फूल बनने की प्रक्रिया आएगी। तो सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों के बने होते हैं। ठीक है, और क्या एक कोशिका ऊतक या अंग की संरचना और उसके द्वारा संपन्न जाने वाले क्रियाकलापों के बीच कोई संबंध है? और पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मनज की संतति या वंशज होती हैं, तब यह सवाल होता है कि यानी जायगोट की होती हैं वो कोई भी पौधे की संरचना है। अब सवाल यह उठता है कि क्यों और कैसे उनमें भिन्न भिन्न संरचनात्मक और क्रियात्मक विशेषताएं होती हैं। फिर क्या है कि जो परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग है, यानी कि हम बात करेंगे उसमें, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो दो क्रियाओं का योग है, ग्रोथ का और डिफरेंशिएशन का। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक जो से शुरू होता है, एक जायगोट से शुरू होता है, तो एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुगत की घटना है ये। ठीक है, और क्या है कि इस प्रक्रिया के दौरान जटिल शरीर संरचना का गठन होता है जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं और फूलों, फलों और बीजों को उत्पादित करते हैं, और बाद में क्या होता है, बाद में वो डाई हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जायगोट और फर्टिलाइज एग से ही इस तरीके से निर्मित होते हैं, और वो फिर अंत में क्या होता है कि जड़ें, तन, पत्तियां, शाखाओं, फूलों और बीजों को उत्पादित करता है, और ये फिर अंत में मर जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि डेवलपमेंट प्रक्रिया को संचालित और नियंत्रित करते हैं, और ये जो फैक्टर हैं आंतरिक और बाहरी होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में हम चर्चा करेंगे, और पालतू जो पौधों में वृद्धि होती है वो अपरिमित होती है।
और वृद्धि के चरण भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।